हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल म्यूजिक एकेडमी। अभी तक हमारी सी ओपन स्केल हो चुकी है, होपफुली अच्छे से। जब तक इतनी स्पीड ना आए तब तक गाना शुरू ना करें, पहले और स्पीड बढ़ाएं। अपना है मोस्ट प्रोबेबली हैप्पी बर्थडे हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग गाना शुरू करते हैं। जीना जीना अपने पीडीएफ में चेक कीजिए, इसके अंदर एक कम आप देखेंगे तो एक नया नोट लिखा हुआ है जिसका नाम है ए शार्प, ठीक है। अब शार्प नोट्स में आएंगे, ठीक है। और ऐसा बताता हूँ, इसमें एफ डॉट और लिखा हुआ है, ठीक है। एफ डॉट आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे, ठीक है। अभी तक आपको सी डी ई एफ जी ए बी सी डॉट याद हो चुका है, डी डॉट याद हो चुका है, और याद हो चुका है ई डॉट फर्स्ट स्ट्रिंग ऊपर याद हो चुका है। इसमें नया नोट आया है एफ डॉट फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, वो भी आपको मोस्ट प्रोबेबली याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इंट्रो में देखेंगे तो आप पहले लिखा है ए, फिर ए शार्प, फिर थोड़ा गैप है, फिर लिखा है जी और ए, फिर ए शार्प ए एफ जी। तो ए शार्प कहाँ आएगा, ए कहाँ पर आता है, थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। ये ए था तो ए शार्प आएगा थर्ड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। तो ये ए शार्प हो जाएगा। तो अब इसका इंट्रो देखिए, ए ए शार्प जी ए शार्प ए एफ जी ए शार्प सी ए एफ जी। अब देखिए ए शार्प जी ए शार्प ए एफ जी ए शार्प सी ए सी ए जी। इसमें जो ए शार्प ए एफ जी है थोड़ा फास्ट है, और नीचे में जो सी डॉट ए सी डॉट ए लिखा है वो थोड़ा फास्ट, ठीक है। तो ए शार्प जी ए शार्प एफ जी ए शार्प सी ए सी ए एफ जी, ठीक है। अब इंट्रो में देखेंगे तो आप सेकंड लाइन में एफ जी के नीचे सब ब्रैकेट लगा के नीचे लिखा हुआ है वन, फिर कॉमा लगा के जी एफ लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है टू। तो इंट्रो जो है वो पूरा दो बार बजेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में जो है वो एफ जी बजेगा, और सेकंड टाइम में एफ जी ना बजा के जी एफ बजेगा। देखिए एफ जी नहीं बजा, जी एफ बज गया, ठीक है। ये था इंट्रो, पहले इंट्रो के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फिर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्स पे। वर्स के अंदर लिखा हुआ है मोस्टली डॉट वाले हायर ऑक्टेव वाले ज़्यादा नोट्स यूज हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन है ए सी डी सी डी सी डी ई डी सी सी, तो ए सी डी सी डी सी डी ई डी सी सी ए सी डी सी डी डाउन अप का ध्यान रखना, नीचे फिंगर लगा के रखना है, इधर से फिंगर सारी सही यूज़ करनी है, ठीक है। ए सी डी सी डी सी डी ई डी सी सी सेकंड लाइन ए सी डी सी ए एफ जी, ठीक है। या
अब एफ जैसे ये सी भी है तो कई बार डॉट वाले होंगे, कई बार बिना डॉट वाले होंगे, तो डॉट वाला अलग होता है, बिना डॉट वाला अलग होता है, इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड लाइन में जो एफ लिखा हुआ एफ डॉट नहीं है, ठीक है, तो वो है सेकंड लाइन ए सी डी सी डी सी ए एफ और जी, ठीक है। वापस देखिए ए सी डी सी डी सी ए एफ और जी, ठीक है। थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन जैसी ही पूरी सेम सी डी सी डी सी डी ई डी सी सी, स्लो ए सी डी सी डी सी डी ई डी सी सी, ठीक है। लास्ट लाइन देखिए एफ एफ ई सी डी डी सी सी, इसमें सारे डॉट वाले हैं, एफ डॉट है, एफ डॉट कहेगा फर्स्ट इन फर्स्ट वर्ड पे, ठीक है। तो एफ एफ ई एफ E C D D C C F F E F E C D D C C डाउन का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला वर्स में बजा के दिखाता हूँ पूरा C D C D C D E D C C A C D C D C A F G A C D F F E F E C D D C C, ठीक है। ये हो गया अपना कोरस, इसके बाद आएगा ये हो गया अपना वर्स, इसके बाद आएगा कोरस, ठीक है। कोरस देखिए, कोरस में फर्स्ट लाइन में जो सी ए जी एफ जी जी ए जी है एफ जी जी है, इसमें बोल रहा हूँ तो इसमें सिर्फ सी पे डॉट है, ठीक है, फर्स्ट वाले पे। तो सी ए जी एफ जी जी ए जी ए एफ जी जी ए सी ए फर्स्ट लाइन देखिए आराम से सी ए जी एफ जी जी ए जी ए एफ जी जी ए सी ए जी एफ जी ए डी सी ए एफ जी, ठीक है। ये कोरस हो गया, इसमें कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को दो तीन बार अच्छे से देखिएगा तो आपको ऑलरेडी ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोरस एक बार और देखते हैं C A G F G G A G A F G G A, second line C A G F G A D C D C A F G, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड वर्स पे। सेकंड वर्स की फर्स्ट लाइन देखेंगे ए ए जी ए जी एफ ई एफ ए, तो ये रहा ए ए जी ए जी एफ ई एफ ए ए ए जी ए जी एफ ई एफ ए, ठीक है। इसमें लाइन होती सच्ची सी है ये तारीफ ए ए जी down up down up down 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 up का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड लाइन में सिर्फ लास्ट में एक ही जगह जी है, तो ए जी ए जी एफ ई एफ जी तुझसे जो मैंने करी है, ठीक है। पहली दो लाइन वापस देखेंगे सच्ची सी है ये तारीफ तुझसे जो मैंने करी है, थर्ड लाइन सेम है जैसे फर्स्ट है तू जो मिला तो सची है ए ए जी ए जी एफ ई एफ ए, लास्ट लाइन थोड़ी ट्रिकी है वो अच्छे से देखिएगा ए ए ए ए शार्प फिर कॉमा ए शार्प सी डॉट डी डी डॉट और सी डॉट दो बार दुनिया मेरी हम फिर सी डी डी सी सी ए ए शार्प सी डी डी सी सी ए शार्प आएगा थर्ड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, ठीक है।
फिर वापस से कोरस आ जाएगा और सॉरी फिर वापस से वर्स आएगा, फिर कोरस आएगा, फिर गाना खत्म हो जाएगा, ठीक है? और इसमें कुछ डाउट हो तो आप उससे ऑनलाइन पूछ सकते हैं। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा है। थैंक यू।